भाई दो गिलास जूस दियो, लड़ाई होने वाली है। दो गिलास और दियो, लड़ाई होने वाली है। भाई दो गिलास और दियो, लड़ाई होने वाली है। भाई उसका खाली मार के मुंह फोड़ देना है भाई आप। अरे भाई ये लड़ाई होगी कब? अरे तू पैसे तो मांग। अक्षत को यहाँ पे संभलना पड़ेगा, बट संभल नहीं पाए अक्षत भी, लॉक कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ ओमेगा कप्तान साहब भी अपने घुटनों पे आ चुके हैं। टीम सोल ये मैच से भी शायद एलिमिनेट हो जाएंगे। अच्छी मैच के जो खोज में निकले थे, ये मैच भी वो नहीं निकलेगा। पहली टीम सोल में स्थान पे, सोल को हम केवल एक फिनिश पॉइंट के साथ एलिमिनेट होते हुए देखें। जी बिल्कुल, यहां से एलिमिनेशन होता हुआ दिख रहा है, बट टीम एक्स पाक अभी भी बनी हुई है, ओआर के खिलाड़ी अभी भी बने हुए हैं। इन दो टीम्स के बीच कुछ की फाइट्स हमें देखने को मिल रही हैं। तीन फ्रैग्स निकाले गए हैं 420 के द्वारा, तो अब देखना यह है कि किस तरीके से वहां 420 का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नॉक करने में कामयाबी पंक को जरूर से मिलती है। दूसरी तरफ फ्रैग को भी डाउन कर दिया है, एक 1v2 सारंग की तरफ से देखने को मिल रहा है, बट एक्सो की तरफ से मॉडल अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, जो कि 10 एचपी के साथ मात्र बचे हैं। लास्टली एक थर्ड पार्टी होती हुई टीम एक्स पार्क के द्वारा, स्काउट के तरफ से वो शॉट था जिसने रोका इस तूफान को, वरना टीम एक्सो के लिए मुसीबतें यहां पे खड़ी करी जा सकती थी। इमॉर्टल इकलौते खिलाड़ी रहेंगे जिनके सामने ट्रिगर आ चुका है, इन्फॉर्मेशन होगा तो एक ग्रेनेड इमॉर्टल को यहां पे एलिमिनेट करने के लिए काफी हो सकता है, बट जहां तक हम जानते हैं आखिर के सर्कल में ग्रेनेड्स आपके पास नहीं होते, तो ट्रिगर शायद यहां पे रुक के थोड़ा अपने आप को रखना चाहेंगे। अबराल प्ले जोन से नॉक हो रहे, वर्कआउट जो कि एक उम्मीद कर रहे थे इस मैच में थोड़ा बेहतर रिजल्ट लेके जा सके, शायद उनके लिए थोड़ी सी दुविधा रही इस मैच में, नहीं उतना अच्छा पे मैच निकल के आ पाए, बट नौ टीमें अभी भी सर्वाइव करें। एक्स पार्क के लिए फाइट आ चुका है, पीएलएस प्रो दे स्मोक कैटेगरी सेवन के लिए गलत साबित हो, स्काउट कवर फायर देते हुए इतनी आसानी से उन्हें बाहर तो नहीं कर सकते, बट डैमेज बहुत ज्यादा होने के कारण उन्हें ब्लीड आउट होते हुए देखेंगे। एक्सो इमॉर्टल भी इस मैच से बाहर हो चुके, पीएलएस को बचाने में असफल रहे स्काउट, लेकिन कवर फायर वहां पे काफी बेहतर हमें देखने को मिला है। ये मैच कहीं ना कहीं अगर नंबर्स की बात किया तो थोड़ा सा फर्स्ट चुका है, क्योंकि निग्मा गैलेक्सी काफी सही तो वो तो हो गए 11 फिनिशर्स टीम एक्स पार्क के पास, हमने अभी कुछ समय पहले देख पाए क्या वो एक 30 बॉमर लेके जा सके, ये दो खिलाड़ी आखिर तक सर्वाइव करे तो ये पॉसिबल हो सकता है। स्काउट की बात करें थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल हुआ, नॉक किया गया यहाँ पर निग्मा गैलेक्सी, जो अपने मैन एडवांटेज के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं वो आपके लिए यहाँ पे जरूर से अब भारी पड़ने वाले। 420 ओपी इकलौते खिलाड़ी जिनको रिवाइव के लिए जाना पड़ेगा, बट उससे पहले ही उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ काफी अच्छा प्रयास रहा, बट टीम एक्स पार्क की तरफ से फाइनली हमें एक वाटर फिनिशर निकाले गए थे और अच्छे पोजीशन पॉइंट निकाले गए थे, जो कारनामा जो वहां पे मिस हो गया था क्या उसी की भरपाई चिकन डिनर के साथ करने वाले हैं टीम एक्स पार्क? वेल पिछले मैच का भी उनको जरूर एक कमबैक करना पड़ेगा, पिछले मैच के जितने पॉइंट वो गवाए थे गॉड लाइक दे गॉड लाइक दे देखे बाकी के पीछे बैठे हुए थे। मवी का एक लेजर स्प्रे, एक बेहतरीन ट्रेस किया गया एंड इसी के साथ साथ फिनिश पॉइंट भी कलेक्ट करने की कोशिश है, उनको बस पिक्सल दिखता है उस घास के ऊपर से एंड फिनिश पॉइंट इमीडिएटली आएगा, बट फिनिश ओके एंटिटी ट्रॉय वो फिनिश पॉइंट स्टील कर जाएंगे। आई मीन गॉड लाइक की तरफ से ये जो नॉकआउट निकाला गया था, आई मीन गॉड लाइक के जो जीगॉड नॉकआउट हुए थे वो स्प्रे था, चारों खिलाड़ी उनके तरफ से आई थिंक जब लास्ट टाइम उन्हें देखे थे उनके चारों खिलाड़ी इस मैच में बने हुए थे और शायद अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल तीन फिनिशर्स के साथ सर्वाइव वहां पे किया जा रहा है, बारी रहेगी कि किस तरीके से इस मैच को चिकन डिनर यहां पे निकाला जा सकता है, क्योंकि अब यहां पे चैलेंज फिलहाल कुछ बढ़ने वाला, थोड़ा जरूर से यहां पे स्लो गेम होगा, 19 सेकंड का इंतजार होगा, जैसे ही सर्कल का स्विंग ऑन होता है टीमों को आगे जाना पड़ेगा और उनका वेलकम कर सकते हैं। इसी बीच में रिपोर्टिंग के कुछ स्टार्स हैं, स्पाइक को फिलहाल वहां पे डाउन है कि आप फिनिश शॉप भी करने में कामयाब हो सकते हैं। 4v4 की बात करें तो यहां पे एक स्टार और ब्लाइंड की तरफ भी हमें देखने को मिल रहा था, एक खिलाड़ी फिलहाल नॉक हो चुके हैं ब्लाइंड के, तो जो अपर हैंड की बात करते हैं वो अभी भी टीम एक्स पार्क के पास है। तीन फिनिशर निकाले गए, फिनिशर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर इस मैच को चिकन डिनर में कन्वर्ट करते बेहतर होगा। मार्कुस के खिलाड़ी की अगर बात करें कैम में भी काफी कूल दिख रहे हैं और अभी परफॉर्मेंस में भी काफी कूल है, क्योंकि टॉप 6 में आ चुके हैं, पिछले मैच के बेहतर आ चुके हैं। पाकलो फिलहाल यहाँ पे डाउन किया जाएगा, पानी के अंदर ही जो गए थे वहीं पे नॉक हो चुके हैं, कनेक्ट
खिलाफ अल्ट्रॉन की तरफ से फिलहाल ना के बराबर, लेकिन प्रयास काफी अच्छा। वेल प्रयास अच्छा है, आई बिलीव अभी मार्कोस को इंतजार करना पड़ेगा। वन सेकेंड इट्स गोइंग टू बी मार्कोस और जो अभी भी अलाइव है, अल्ट्रॉन जो है डॉन का भी नॉकआउट निकाल जाते हैं। मतलब टीम एक्सपार्क फिलहाल के लिए काफी डोमिनेटिंग रन में जाना चाहते हैं। स्काउट को बहुत लो छोड़ा गया है, स्पाई ओपी का ये बेहतरीन एक्शन देखने का मौका मिलेगा। फायदा किसको मिलता है? फायदा मिलता है यहां पर मैक्सी ओपी को, नॉकआउट में निकालेंगे, लेकिन ब्लाइंड फिर से फिनिश स्टील करते हुए नजर आएंगे। अल्ट्रॉन मार्कोस का सफाया करेंगे, डायनासोर मार्कोस की तरफ से, वेल डायनोसस मार्कोस की तरफ से फिलहाल एलिमिनेट हो जाते हैं पानी के अंदर डूब के। एंड इसी के साथ साथ टीम एक्सपार्क, वेल मवी अभी अलाइव है, अल्ट्रॉन कोशिश करेंगे 420 ओपी को रिवाइवल देने का। फिनिश पॉइंट्स की बात करेंगे, पांच है उनके पास, टॉप फाइव टीम्स हमारे सामने आते हुए। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स नकुल अकेले बचे हुए हैं, चार फिनिश पॉइंट्स उनके नाम रहेगा, बट एडवांटेज किसके पास है? एडवांटेज सबसे ज्यादा जो रहेगा वो रहने वाली है नन अदर देन ब्लाइंड के पास, बिकॉज जोन उनके खाते में है। एंड बाकी सारी टीम्स को जोन के अंदर आने की प्रयास करनी पड़ेगी। अभी के लिए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के जवाब के खिलाड़ी है वो फिलहाल स्प्रेड आते हैं, ब्लाइंड में स्प्रेड आते हैं स्मोक के अंदर, बट अल्ट्रॉन फिलहाल एक और फिनिश पॉइंट अपने नाम करेंगे। एक्सपार्क इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट चिकन डिनर। देखिए जी की बात करें तो उनकी आखिरी स्ट्रैटेजी यही होती है, जब वो अपने खिलाड़ी गवा देते, एक लौता खिलाड़ी जब सर्वाइव करता है तो वो प्ले जोन के बाद कुछ समय तक वो हेल्थ बैटल करते हैं पोजीशन पॉइंट के लिए, वहां पे लड़ी जाती है आखिरी जंग जब वो हेल्थ के बराबर कनेक्शन। बिल्कुल पानी के अंदर से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर पानी के अंदर से वो एक ओपनिंग निकाल पाते हैं वो एक बड़ा मौका रहेगा, बट ब्लाइंड जोन का एडवांटेज बेहतरीन तरीके से उठा रहे हैं, वो अग्रेस नहीं कर रहे। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव कि आप एंड सर्कल में अग्रेस ना करें जब आपके पास ओपनिंग है। बट मवी एक बेहतरीन फ्लैंक के साथ आगे आएंगे, ब्लाइंड शैडो का नॉकआउट निकाला गया है, ये फ्लैंक बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है। मवी मार रहा है, अल्ट्रॉन यहां पर मारते हुए जाएंगे एक ग्रेनेड जिससे कि शैडो का नॉकआउट है, नॉकआउट मवी एंड अल्ट्रॉन आर ऑन अ रोल, ब्लाइंड के रेज अल्ट्रॉन का नॉकआउट निकालते हैं, मवी के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी, ब्लाइंड स्पाई ओपी रिवाइवल देना पड़ेगा। हैदराबाद हाइड्रास की तरफ से भी आपको दो खिलाड़ी बचते हुए नजर आएंगे, मैक्सी एंड कैरी जो अभी भी पानी का सपोर्ट लेके आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि कैरी पीछे से आ जाते हैं, ब्लाइंड के बिल्कुल पीछे से स्नीक इन कर जाते हैं, बहुत बड़ा खतरा रहेगा, बट एक ग्रेनेड जो है टॉस किया जाता है मवी के द्वारा जिससे कनेक्शन ना के बराबर। देखिए यहाँ पे अल्ट्रॉन को भी रिवाइव देना पड़ेगा जो कि मेरे हिसाब से बहुत जल्दी से यहाँ पे करे, 420 को यहाँ पे नॉक किया जाता है और फिनिश भी कर देंगे कि इस बार रिवाइवल ना हो सके, उसका पूरा पूरा ध्यान रखेगा। मवी की बात करें वेट किया जा रहा है वो इंतजार की घड़ी, क्योंकि यहां से वो जानते हैं कि अगर आगे बढ़ेंगे तो ब्लाइंड के पास वो मैन एडवांटेज जो कि भारी पड़ सकता है, बट अल्ट्रॉन वहां पे स्पाइक ओवर पे डाउन करने में कामयाब होते हैं। डेडपूल की तरफ से ग्रेनेड टॉस जरूर से वो करना चाह रहे हैं, लेकिन अल्ट्रॉन के कुछ ये रैंडम पर ग्रेनेड आ रहा है, क्या कनेक्शन ढूंढेगा? कनेक्शन वहां पे ढूंढ लिया, अब मवी के ऊपर सारी की सारी वो भार आ चुकी है, क्या वो विजेता तक यहां पे अपनी टीम को लेके जा सकते हैं, क्योंकि ब्लाइंड के पास अभी भी मैन एडवांटेज है। वेल बट मवी हार मानने का नाम नहीं ले रहे, रेज को भी नॉकआउट किया गया है, स्पाई ओपी सबसे पहले हील अप करता है, उसी के बाद वो भी आगे बढ़ने की कोशिश, बट मवी के ऊपर बेहतरीन कनेक्शन बनता है जिससे कि वेस्ट उनकी बहुत लो हो जाती है। हैदराबाद हाइड्रास के कैरी पानी के ऊपर आ रहे, सांस ले रहे, वापस पानी के अंदर जा रहे, वो जितने ज्यादा हो सके प्लेसमेंट पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे, बट देखिए इस बार कैरी ऊपर चढ़ते इमीडिएटली प्रोन डाउन हो जाएंगे, बट इसका फायदा ब्लाइंड के डेडपूल को मिलेगा जो मवी को एलिमिनेट कर जाते हैं। एक्सपार्क इज डाउन एंड आउट इन थर्ड। होल्ड करा, नेट से ले लूंगा, होल्ड करा, मैं भी नेट से कर ले लूंगा। रुक गया क्या? नॉक हुआ एक और, मेरे नीचे मेरे नीचे मेरे करके नीचे, एक राइट एक राइट पे, अरे सारे करके नीचे ना, चलो मेरे करके नीचे, मेरे करके नीचे, एक बार मेरे को फुटा है मेरे करके नीचे, मारो आगे मारो आगे मारो आगे, अरे अरे मारो, कूद गया मैं बाहर 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 है, हां ये रहे ब्रोकन पे शायद, अरे इतनी दूर का फुटा रहा होगा, इतनी दूर का फुटा रहा होगा, तभी तो बोलो मेरे को रीच पे, एक स्मोक में स्मोक में स्मोक में स्मोक में, हां नहीं मेरे को वैसा वैसा फुटा है, मैं कर रहा हूं, आप लूट लो लूट लो, साला फिन भाई अंदर हो जाओ घर के अंदर हो जाओ, घर के अंदर हो जाओ, घर के अंदर हो जाओ, भाई ये क्या भांग घोसड़ा है, ये क्या भांग घोसड़ा है, अरे भाई वो दफ कर भाई, अरे भागो बहन चोदी, क्या देख लिया मैंने, ये क्या था, अरे भाई इतना स्ट्रीम तो मत खोलो, राइट से राइट हिल जेड ब्रिज के सामने वाली, आई गाड़ी आ रही है
भाई किसको किस तुम्हारे बहन लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।